हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनील ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अक्षय को पिकअप करने और वहाँ से उधर से ही निकल जा रही है मेरी रोड ना। तो चलते हैं गाइस यहाँ से। बस अभी तो मैं जा रहा हूँ हीरो होंडा चौक, वहाँ से अक्षय को पिकअप करूँगा और उधर से मैं कॉलेज के लिए निकल जा चला जाऊँगा। साथ में अक्षय भी जा रहा है क्योंकि वो ऑटो से आया दिल्ली से और बाइक लेके नहीं आया, तो वो मेरे साथ ही जाएगा। नहीं तो क्योंकि उधर से ऑटो वगैरह नहीं मिलता है, नहीं तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। वैसे हम बहुत लेट हो चुके हैं, हो सकता है जल्दी पहुँच जाए। तो गाइस अभी तो चलते हैं, स्पीड से ही चलेंगे और हो सके तो आगे जाम ना मिले तो ठीक है, नहीं तो आगे जाम मिल जाता है तब बड़ी दिक्कत आ जाती है, नहीं तो बहुत लेट हो चुका है। चलते हैं शॉर्टकट पड़ता है तो उधर जाके उधर भीड़ में फंस जाता। बस थोड़ी देर में हीरो होंडा चौक हम पहुंचने ही वाले हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट और इधर से साइड से चलेंगे तो इधर जाम नहीं मिलेगा, आगे तो जाम लग रखा है ज़्यादा। तो पहुंच जाएँ जब 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम।
लग रहा है रेड लाइट हो रही है, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एक मिनट, फिर रेड लाइट ग्रीन होने के बाद फिर चलते हैं। मैं हीरो होंडा चौक पहुंच गया हूं। अच्छा वो खड़ा है अच्छे, अब इसके बाद एक चल रहा है, आई थिंक वो बाइक लेके आया, मुझे लग रहा था कि वो ऑटो से आया है। चलो बाइक ले, और भी अच्छी बात है, उसके साथ ही चलेंगे। ओके गाइस चल दो, तो इस बाइक का भी मैंने स्पीड टेस्ट नहीं किया है, तो आगे खाली रोड आएगा तो वहाँ पे स्पीड टेस्ट करेंगे, इस पर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 120 तक हाईएस्ट मैंने चलाई है ये बाइक अभी तक, और देखते हैं कितने तक ये बाइक जाती है। ज़्यादा तक तो अक्षय के पास तो KTM Duke 390 है, उसकी तो मतलब पिकअप बहुत अच्छा है। तो अक्षय की बाइक मैंने हाईएस्ट 140 की स्पीड पर चला रखी है, वो उससे भी ऊपर जाती है। तो कुछ टाइम बाद हम अपाचे और R15 का कंपटीशन करेंगे, मतलब कौन ज़्यादा कितनी जाती है, अपाचे 164 भी और R15 V3। और मुझे ये बाइक लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक ज़्यादा एक ही मंथ हुआ ही होगा, मैंने ये सेकेंड बाइक ली है दिल्ली से। बैटरी तो यार चार्ज की भाई, कुछ आता है नहीं, भाई नहीं आता। चलो बढ़िया है, तेरे को आता है थोड़ा बहुत, इतना आता है। कौन सा आता है? अरे वो स्केलेटन वगैरह बताया था, स्केलेटन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। अरे मैं तो सब देख पढ़ा नहीं है, सेल सेल तो आया नहीं है पक्का, सेल और स्केलेटन। अभी मैसेज करवाऊंगा। ओके
स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि यही खाली रोड ही है मैं तो एक हिसाब से, आगे जाके और भी खाली है, आगे जाके गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इस। ओके थर्टी फाइव हाईएस्ट गई है अभी तक ये बाइक, आई थिंक जाती तो और भी फिफ्थ गियर पे ही थी, सिक्स्थ गियर मतलब डाला भी नहीं अभी, आगे ब्रेक मारनी पड़ी क्योंकि आगे गाड़ी आगे थी इसलिए, तो अच्छे तो निकल गया मेरे से भी तेज चला था वो। तो भाई चलो थोड़ी देर में कॉलेज भी पहुँचने वाले हैं, आई थिंक फुल टाइम हो गया। तो अभी भी साउंड आया है कि GoPro मतलब लो होने वाला है, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर करें गाइस। ओके गाइस बाय बाय।